देखिए फ्रेंड्स, ये है पैशन प्रो कि पूरे फ्यूल का सिस्टम, फ्यूल मोटर का सिस्टम है। अब हम दिखाते हैं इसको कैसे फिट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा पूरा सिस्टम दो पोच के रखा गया है। इसके फ्यूल मोटर की जाली जाम थी, इसी जाली को हम सफ़ा किए और सफ़ा करके अब फिर लगाते हैं। देखिए पहले काफ़ी गंदी थी, हम अगले वीडियो में डाल रखे हैं, शॉर्ट वीडियो है, उसमें लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब इसको हम देखिए कैसे फिट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वायरिंग पे काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, इस वायरिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से लगाएंगे, और उसके बाद देखिए ये और ये छोटा वाला हिस्सा इसमें लगेगा और बड़ा वाला हिस्सा इसमें लगेगा। इसको इस तरह से फिट करते हैं और इसको ऊपर से प्रेस करके बैठा लीजिएगा। ये हमारा बैठा नहीं है। अब देखिए इसको इस तरह से खींचेंगे तो निकलेगा नहीं, मतलब ये पूरी तरह से बैठ चुका है। अब इसको थोड़ी केयरफुली, इसको फिर दोबारा इसमें फिट करने के लिए केयरफुली काम करना पड़ेगा, ताकि ये वायरिंग फंसने ना पाए। इसके लिए जाली को इस तरह से मोड़ते हैं और ये करते हुए, जैसे कि देखिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम दोनों सॉकेट को इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर फिट कर लेंगे, ये जगह बना रखी है इसको फिट करने के लिए। अब इसके बाद हमारा आता है, जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस पॉइंट दे रखा है, प्लस पॉइंट के लिए इस वायर को सेट करेंगे। और देखिए दूसरे वाले को पतला है, इसको माइनस सेट करके हमारा ये मोटर कंप्लीट हो गया। जो ये फ्यूल गेज का है और दूसरा है ये फ्यूल मोटर का है, ये फ्यूल मोटर की सप्लाई करता है और ये फ्यूल गेज का है, दोनों ये कहीं में काम करते हैं। अब इसको हम टंकी में फिट करेंगे और फिट करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको सावधानी पूर्वक इसके रबड़ को केयरफुली इसमें लगा लीजिएगा पहले, क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो पेट्रोल लीकेज करना स्टार्ट कर देगा, जब तक ये चारों तरफ से फिट ना हो जाए। देखिए ये चारों तरफ से बैठ चुका है।